सो है गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आज काफ़ी टाइम बाद मैं हॉल वीडियो शूट कर रही हूँ बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही थी बट ब्लॉग बीच बीच में आ रहे थे हॉल वीडियो नहीं आ पा रहा तो था मुझे हॉल वीडियो बनाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और आई होप आपको देखना भी बहुत पसंद होगा सो so, अभी मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ मीशो रैंडम फाइंड्स ये सारी ही चीज़ें जो मैं आप आज आपके साथ शेयर करूँगी ये मैंने काफ़ी टाइम से मंगवा के रखी हैं और मैं इन्हें रेगुलरली यूज़ भी कर रही हूँ सो मैं इस वीडियो लेट बना रही हैं ताकि मैं इसकी क्वालिटी क्योंकि मीशो की क्वालिटी को सबको डाउट रहता है तो मैं इसकी सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपके साथ शेयर कर सकूँ so, so, पहला प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है स्पेशली जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए आपका आईफोन चार्जर आपको मालूम होगा कितना ज्यादा एक्सपेंसिव आता है और कोई बार टूट जाए तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईफोन चार्जर प्रोटेक्टर ये सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे मीशो पे और रैंडम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये दिख गई थी चीजें इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिकी माउस भी मिल जाएगा स्टारबक्स का जो लोगो होता है उससे रिलेटेड भी मिल जाएगा इनफैक्ट इसमें भी स्टारबक्स का लोगो है और काफी आपको कलर्स भी अवेलेबल हैं इसमें तो आप ट्राई कर सकते हो आपको दो से लेके फाइव के बीच में काफी अच्छी इसमें रेंज मिलेंगी इसमें एक ऐसा रबर टाइप का प्रोटेक्टर आता है जो मेन चार्जर में लगेगा प्लस आपके इसके जस्ट लास्ट में जहां पे आप ये पिन होता है वो वहां पे भी आप कोई प्रोटेक्टर मिलेगा और ये जो है वायर इसमें आपको स्क्रॉल करने के लिए ऐसे रोल करने के लिए एक वायर मिलेगी ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है बट एक बार ये फिक्स हो जाता है तो काफी अच्छा लगता है दिखने में भी और आपका चार्जर भी काफी प्रोटेक्ट रहता है मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ थोड़ा सा गंदा भी हो गया मैंने लाइट कलर एक्चुअली बाय किया था और ये मेरे जो ऑफिस में सबने देखा तो सर लोगों ने भी मुझे बोला कि आप मेरे हमारे लिए भी मंगवा दो तो सबके लिए मैंने मंगवाया है ये चार्जर प्रोटेक्टर काफी अच्छा है काफी चीज है प्लस इतने ज्यादा अच्छे आ, क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी इसे काफ़ी अच्छा है तो जो मैंने ये वाला यूज मतलब जो परचेज़ किया है वो है टू फिफ्टी रुपीज़ का विच इज़ रियली गुड और काफ़ी अच्छा वर्थ प्रोडक्ट है आप इसे ट्राई कर सकते हो सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ रिलेटेड टू ट्रैवल एजेंशियल और इस तरह के ये कंटेनर uh, रिसीव होंगे आपको ये मैंने दो का सेट मंगाया था पिंक एंड ब्लू में और ये काफ़ी अच्छा हंड्रेड रुपीज़ के मुझे दो आए थे इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो और इसमें आप चाहो तो अपने टूथ ब्रश टूथ पेस्ट आप ट्रैवल में जाओ कभी भी तो उसको आराम से लेके जा सकते हो काफ़ी हैंडी रहता है और आपके बैग में भी काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगा इसमें मैंने ब्रशेज रखे तो आप चाहो अगर घर में रखना है आपको तो ब्रशेज भी रख सकते जिसमें आपको जर्म्स वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा और दूसरा भी सेम है इसी टाइप में और इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये क्वालिटी और साइज इतना बड़ा आएगा मुझे लगा छोटा मोटा साइज़ होगा इसलिए मैंने दो ऑर्डर कर लिए थे तो एक्चुअली एक ही आता भी नहीं है ये आपको सेट ही आएगा दो या फिर चार का तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है तो ये मुझे हंड्रेड रुपीज़ के दो आए थे जो आ, जो इसका एग्जैक्ट प्राइस है इसका और सारे प्रोडक्ट्स का मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँ क्योंकि तो मैं अभी भूल गई हूँ अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूज़ करे हुए तो अभी मैं ट्रैवल करने ट्रैवल पर गई थी एक्चुअली मैं रीवा गई थी तब मैंने इसे मैं लेकर गई थी कैरी करके काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट गाइज नेक्स्ट इज ऑल्सो ट्रैवल एजेंशियल और सेम इसी के तरह ये भी कंटेनर है दो और ये मैंने एक्चुअली चार का सेट लिया था वो ये भी मुझे हंड्रेड रुपीज़ में फोर आए थे जो कि मैंने और मम्मी वगैरह को दे दिया है तो ये इस तरीके से ओपन होंगे और इसमें आप बेटा ब्रश नहीं लेना मम्मा का है तो इस तरीके से आप ब्रश रख सकते हो या फिर कुछ भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो और इसको ये बंद हो जाता है जो कि ताशु मुझे बंद नहीं करने दे रही है एक्चुअली सो ही रही है और मुझे वीडियो शूट करना था तो ये इस तरीके का है और ये पिंक कलर का क्वालिटी वाइज ओके ओके है बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी नहीं है बट अमेज़ॉन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो अमेज़ॉन में काफ़ी एक्सपेंसिव है और क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है आप uh, को डेली तो यूज़ करना नहीं जब भी आप ट्रैवल करोगे तभी यूज़ करोगे तो उसके लिए बेस्ट है ये इस प्राइज में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट जो नेक्स्ट चीज़ है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है अभी और आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा लोगों को ये यूज़ करे हुए हुए और अगर आप इस तरीके की स्क्रेंचीज़ लेने जाओगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे मार्केट में इनफैक्ट ऑनलाइन दूसरी वेबसाइट्स में भी बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी मीशो में मुझे रिसीव हुई हैं और ये पूरा एक्चुअली सेट था इस तरीके का जो ये बोई स्क्रेंचीज़ है बो हेयर क्लिप भी बोल सकते हो आप इसे तो ये इस तरीके की हैं बहुत सारे डिफरेंट कलर्स और साइज़ uh, में मुझे रिसीव हुई हैं तो ये है फर्स्ट वन तो इसका मैं आपको पूरा एक शॉट दिखा दूंगी और एक ये दूसरा है देन ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे और इस तरीके का ये पोलका डॉट्स में देन ये एंड दिस वन तो ये भी मुझे 150 फिफ्टी का रिसीव हुआ है इतने सारे हेयर क्लिप्स और काफ़ी अच्छा आप अपने बेसिक जो ड्रेस है आप उसको स्टाइल कर सकते हो काफ़ी अच्छी चीज़ है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी ऑर्गेंजा फैब्रिक में एक्चुअली ये बना हुआ है तो आप इसे बाय कर सकते हो अगर आपको अपने आउटफिट में अपने हेयर स्टाइल में थोड़ा सा आपको पॉपअप आप आप कलर यूज़ करना है और काफ़ी अच्छा स्टाइलिश तो गाई है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो सिमिलर है एकदम जो भी मैंने आपको दिखाया हेयर क्लिप वैसा ही है बट ये नेट फैब्रिक में है और एक ये सिंगल पीस आया था ये काफ़ी अच्छा मतलब इसका फैब्रिक भी है और इसका लुक की वाई लुक के चक्कर पे मैंने इसे मंगाया था पहले हमें जाना था जयपुर तो हमारा प्लान था ट्रैवल करने का तो मैं जो इसे यूज़ करूंगी बट मैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाई नेक्स्ट टाइम यूज़ करूंगी कभी बट इसमें एक ही ड्रॉबैक लगा मुझे जो ये मम्मी लोग हेयर क्लिप्स लगाती हैं उस टाइप का इसका ये ऑपरेट uh, करने का है पीछे हेयर क्लिप लगा हुआ है तो थोड़ा सा मुझे वो अच्छा नहीं लगता इस टाइप का तो बट ये देखने वाइज लुक वाइज बहुत अच्छा है आप देखो आप कितना ज़्यादा प्रेटी लगता है आप कोई भी ब्लैक कलर की ड्रेस मान लो वाइट कलर की किसी भी ड्रेस इनफैक्ट किसी भी कलर की ड्रेस के साथ ये काफ़ी अच्छा जाएगा और आपके हेयर स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी तो आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हो यहाँ पर या फिर आप पीछे इसको अटैच करके लगा सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है सो so, ये इसका प्राइस मुझे वन फिफ्टी रुपीज़ का ये सिंगल पीस आया था तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा बट अगर मैं क्वालिटी और ये एम्ब्रॉयडरी है इसमें उसकी बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा प्राइज मुझे मिला ये और ताशु ब्रश करिए बेट अची ची डर्टी वेरी बैड so बहुत पहले मेरे पास बहुत अच्छे झुमके थे जो कि मैंने मेला से लिए थे यहाँ पे भोपाल मेला लगता है उससे और वो एक्चुअली टूट गए तो मुझे सिमिलर मतलब सेम वैसा तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा सा मुझे उससे मिलता जुलता मीशो पे दिखा था तो इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है काफ़ी मुझे मीशो की ज्वेलरी ये चीज़ अच्छी लगती है कि अच्छे से बॉक्स में पैक होकर आता है बहुत सारी ज्वेलरीज़ और ये इस तरीके की मुझे झुमके रिसीव हुए हैं आप इसे कलर कॉम्बिनेशन देखिए और ये आ, मुझे एट्टी रुपीज़ में मिले हैं सबसे अच्छी बात इसका प्राइस है एट्टी रुपीज़ के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत लाइट वेट झुमकीज़ हैं ये फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है सो इसमें जो पर्स लगे हैं वो डिज़ाइन किया गया है वो बिल्कुल भी नहीं निकला है और ये काफ़ी अच्छे लगेंगे वेयर करने के बाद अभी मैंने ये वाले पहन रखे हैं बट ये मैं ज़रूर स्टाइल करूँगी किसी भी एथनिक वेयर के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा तो एटी रुपीज़ में ये बेस्ट प्रोडक्ट है आपसे ट्राई कर सकते हो इसमें साइज़ इसमें सॉरी कलर सिर्फ गोल्डन ही था तो सिंगल पीस था इस नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ज्वेलरी और ये भी मैं बहुत टाइम से पहन रही हूँ और अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरीज पहनना हैवी ईयर पहनना पसंद नहीं है तो आप सिंपल हुप्स डाल के आप अपने आउटफिट को एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हो और इस तरह के जो मल्टी कलर के हुप्स होते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं एज यू कैन सी इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये हंड्रेड रुपीज़ में मुझे तीन का सेट आया था बेटा तो ये तीन का सेट आया था मुझे और ये किसी भी आउटफिट के साथ इं, आ, इंडो वेस्टर्न आउटफिट वेस्टर्न आउटफिट या फिर एथनिक वेयर के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है और ताशों ने सारी चीज़ें मेरी ख़राब करी हैं और ये मतलब मीशो में ये सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी क्वालिटी रिसीव हो जाती है नेक्स्ट आर दीज इसक्रंच विच इज़ रियली ट्रेंड इन दीज डेज और ये है ब्लू और पिंक uh, कलर है मैंने सिर्फ दो का ही सेट मंगाया इसमें आपको काफ़ी कॉम्बो uh, मिल जाएंगे और ये मुझे रिसीव हुआ था हंड्रेड रुपीज़ का और ये बहुत अच्छा लगता है आप किसी भी आउटफिट के साथ इसे पहन लो और एक आप uh, पोनी टेल बना के इसे आप यूज़ करते हो काफ़ी अच्छा लगता है तो और मुझे हैंड में भी पहनना काफ़ी पसंद है तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू प्राइस मस्ट बाय प्रोडक्ट है मुझे काफी अच्छा लगा अगर आपको इस तरीके की ए, पॉम -पॉम टाइप में ए, आपको इस पसंद है ये थोड़ा सा डिफरेंट अभी प्रोडक्ट आया है यहां पे डले हुए हैं अंदर वैसे काफ़ी टाइम से ट्रेंड में है बट अभी ये बहुत ज्यादा इन है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इस हॉल का बेस्ट प्रोडक्ट है और इसे आप डेफिनेटली डेफिनेटली बाय करना एक्चुअली मुझे ना एक टोट बैग चाहिए था बैग मेरे पास बहुत है बट टोट बैग मेरे पास एक भी नहीं था और आजकल आ, काफी टोट बैग बहुत ट्रेंड में है और मुझे एक चाहिए था जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी ना रहे तो मैंने ऐसे ही बेटा नहीं नहीं माइक नहीं निकालना नहीं नहीं अच्छा नहीं, 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 नहीं। कुछ किसी 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 मेरा माइक छीन रही थी मैंने उसको पुराना वाला दे दिया जो ख़राब सा हो गया है आ, तो गाइज ये वाला टोट बैग है और ये इसका प्राइस सुनोग सुनोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे क्योंकि मैं भी शॉक हो गई थी ये है ओनली फोर फिफ्टी रुपीज़ का और इसकी क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है ये लग ही नहीं रहा है कि मीशो से लिया हुआ है तो ये इस तरीके का इसका स्पेस है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है प्लस बैग में ज़्यादातर में चेन आपको नहीं मिलेगी बट इसमें चेन भी है और मुझे जिप चेन बहुत ज़रूरी है या तो फिर कुछ हुक हो क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं सामान ना गिर जाए तो ये इसका प्रिंट है ये काफ़ी यूनिक प्रिंट है और अभी तक मैंने इतना भी इसे यूज़ किया है सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की है इसकी तो ये है और इसका जो आ, साइज़ है परफेक्ट साइज़ है मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था क्योंकि ताशू का बैग ऑलरेडी अलग से है उसका आ, डाइपर बैग तो मैं उसके लिए वो कैरी करती हूँ मुझे अपने लिए एक्चुअली चाहिए था ये तो काफ़ी अच्छा है फोर फिफ्टी में से क्वालिटी बेस्ट है अगर आप इस हॉल में कुछ भी परचेज नहीं करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली ये वाला आप ट्राई करना बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है ये और इसमें आ, कोई भी आ, आपको कलर या फिर आपको दूसरे कलर में या फिर साइज़ में या फिर आपको प्रिंट में नहीं मिलेगा सिर्फ यही अवेलेबल है तो आप जल्दी से जाके इसे परचेज़ कर लो और सो गाइज़ मैं आपको एक ऑसम awesome सा प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी सेकेंड कॉम्ब है जो कि है वुडन कॉम्ब और इसको मैं एक्चुअली यूज़ करने का पर्पज़ है कि इससे हेयर फॉल जो है वो काफ़ी कम होता है और ये एक्चुअल में वर्क करता है और ये है कच्ची नेम से बना हुआ ऐसा इसे मेंशन किया हुआ था ये है फ्रॉम दी ब्रांड नेट हैबिट और ये आपको अमेजॉन वगैरह में भी मिल जाएगा फ़्लिपकार्ट भी मिल जाएगा इसमें मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिला तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया था है अभी ये मेरी सेकेंड इसलिए क्योंकि फ़र्स्ट वाले ताशू ने तोड़ दिए सेम ब्रांड का मैंने एक और लिया था जो कि ताशू ने इसका फर्स्ट वाला ये काटा तोड़ दिया है तो ये इस तरीके का है और मुझे ऐसे बड़े बड़े जो इसमें सेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा पसंद है वो छोटे वाले आते हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं हैं। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा होगा तो और इसका जो प्राइस है वो है वन सिक्सटी रुपीज़ और नेक्स्ट इज़ दिस स्टोरेज बॉक्स और इसने थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट किया है क्योंकि मुझे लगा था ये बहुत बड़ा आएगा साइज़ में बट अकॉर्डिंग टू प्राइस इसका साइज़ परफेक्ट है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये एक्चुअली मैंने ये सब चीज़ें रखने को रखने के लिए इसे मंगाया था इसमें सारी ट्यूब्स वग़ैरह है मेरी सनस्क्रीन वगैरह तो काफ़ी यूज़फुल होता है आपकी ड्रेसिंग टेबल पे आप रख दो देखने में भी अच्छा लगता है और सारे सारी चीज़ें हो सकता था मुझे एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सा बढ़ाएगा बट कोई बात नहीं अकॉर्डिंग टू तो प्राइस मुझे अच्छा लगा ये क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है स्टर्डी है बहुत जल्दी ये टूटेगा नहीं सो आपे परचेज़ कर सकते हो अगर इन इनकेस आपको स्टोरेज बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है और मुझे तो हमेशा ही इसकी रिक्वायरमेंट रहती है स्टोरेज बॉक्सेस मेरे पास बहुत है और मुझे फिर भी कम लगता है नेक्स्ट इज़ ऑल्सो स्टोरेज बॉक्सिस और ये मैंने एक्चुअली फ्रिज में जिंजर वग़ैरह रखने के लिए या फिर चिली रख सकते हो ग्रीन चिली लेमन ये सब रखने के लिए मैंने इसे छोटे छोटे से बास्केट मंगाए थे तो ये दो मुझे मिले थे फोर्टी रुपीज़ में मीन्स ट्वेंटी रुपीस ईच उसके हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो ये मैंने दो अपने फ्रिज के लिए मंगाए हैं और इससे कलर भी काफ़ी प्रेटी है और भी चाहती है मंगा सकती थी बट अभी आ, हमें हमने बड़ा फ्रिज नहीं लिया हमारे पास छोटे छोटे फ्रिज हैं तो अभी हम उसमें उसके लिए अभी ये ठीक है अभी कुछ टाइम बाद हम लोग लेने वाले हैं फ्रिज तो उसके लिए फिर मैं दूसरे टाइप के जो कंटेनर होते हैं वो परचेज़ करूँगी जो मैंने देख रखे हैं विश लिस्ट करके रखे हुए हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस एक लिपस्टिक होल्डर और ये मैं लाना नहीं चाहती थी अभी बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा मुझे ये वीडियो तो इसमें मेरी सारी लिपस्टिक है ना वो क्योंकि ताशू छोड़ेगी नहीं बेटा बस 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 सारे लिपस्टिक इसमें मुझे एक ही जगह पे मैं इसे रख सकती हूँ स्टोर करके रख सकती हूँ और एक्चुअली मुझे ये चाहिए था नेल पेंट के लिए मैंने उसके लिए ही मंगाया था बट नेल पेंट का साइज़ इसमें नहीं आ पा रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है और एक ही जगह आपकी सारी लिपस्टिक आपको ईजिली मिल जाएंगी और इसका प्राइस था टू हंड्रेड रुपीज़ विच इज़ रियली गुड अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ काफ़ी अच्छा है काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ भी कर रही हूँ तो उसे आप ट्राई कर सकते हो सो गाइज़ नेक्स्ट इज़ दिस ट्रैवल पाउच और इसको भी काफ़ी टाइम मुझे एक साल हो गया इसे यूज़ किए हुए और uh, तब से मैं कंटिन्यू इसे यूज़ कर रही हूँ इसका भी प्राइस बहुत अफोर्डेबल है मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ही मीशो पर मिला और इसमें ये वाला कलर मैंने चूज़ किया था इसमें आप अपने सारे अंडर गारमेंट्स वगैरह इसे र, इसमें रख के ट्रैवल कर सकते हो एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएंगी और इसका प्राइस है वन फिफ्टी रुपीज़ जिसमें मुझे एक ही सेट आया था काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर ट्रैवलिंग और मैं बहुत टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ इसे प्लस इसे मैंने वॉश भी कर लिया है बट इसकी क्वालिटी एज़ इट इज़ है तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है गाइस नेक्स्ट आर दीज हैंगर्स और इस टाइप के हैंगर काफ़ी यूज़फुल रहते हैं आप इन्हें डिफरेंट वेज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हो इसमें मैंने और भी एक्चुअली ये मैंने पाँच का सेट मंगाया था इसमें से एक ये है इसमें मैंने ताशो की हैंग टाल वग़ैरह रखी हुई हैं और बाकी मैंने दुपट्टे वगैरह एक ही सेक्शन में यूज़ करके रखे हुए हैं डिफरेंट सेक्शनस में और ये एक्चुअली ना आपके स्पेस को काफ़ी बचाता है और अच्छे से आपका जो बॉर्ड्रॉब है क्लिन भी दिखता है तो तो बहुत अच्छा लगा ये वाला प्रोडक्ट और मैंने इसे अपने दुपट्टे वगैरह काफ़ी अच्छे से लेगिंग्स एक ही में आ गई सारी तो मैंने बहुत अच्छे से रखा है स्टोर करके और इसका प्राइस था टू फिफ्टी रुपीज़ में मुझे पाँच हैंगर्स मिले हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी हैं सॉरी टू फिफ़्टी नहीं वन फिफ्टी रुपीज़ में बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने इसका प्राइस एक्चुअली वन फिफ्टी रुपीज़ है और वन सिक्सटी में है जो एग्जैक्ट प्राइस है मेंशन कर दूँगी मैं स्क्रीन पे तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और यूज़फुल प्रोडक्ट है तो आप इसे ट्राई कर सकते हूँ इनकेस अगर आपके यहाँ बच्चे हों तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आएगा आपको तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये प्रोडक्ट ताशू ने क्या अपना हाल बना रखा है फेस का ता, ताशू नेक्स्ट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट मुझे ताशू के आने के बाद मालूम चली और सुसु कर दिया आपने लड़की तो ये जो प्रोडक्ट है वो है फर्स्ट एड बॉक्स विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड सेलो और ये मुझे बहुत रीजनेबल मिला वन सिक्सटी रुपीज़ में मीशो पे बाकी जो वेबसाइट थी उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव था तो ये सारी जो मेडिसिन ताशू की मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखी हैं इस तरीके से ये ओपन होता है एक मिनट बेटा और यहाँ पे सारी मेडिसिन की आ जाती हैं इसमें बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है एक ही जगह पे सारी चीज़ें आती हैं और मैं कहीं जाती हूँ ट्रैवल करने तो इसको एज इज ऐसे उठा के लेके जाती हूँ काफ़ी कन्वीन कन्वीनियंट रहता है सो आपसे ट्राई कर सकते हो और आप सेलो ब्रांड का ही लेना बाकी इसमें भी लोकल में भी थे वन फिफ्टी में तो वो आप मत परचेज़ करना इसका काफ़ी अच्छा क्वालिटी नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ इज़ दिस पेन होल्डर और इसमें सारे पेन ताशों ने खाली कर दिए हैं तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल गया है ये मुझे 80 रुपीज़ का आया था अकॉर्डिंग टू प्राइस अच्छी क्वालिटी है इसकी और थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था मैंने इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा और बड़ा होता बट ठीक है काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये और इसमें सारे पेन वगैरह सब कुछ मैं अपनी स्टेशनरी की जितने प्रोडक्ट्स सब मैं इसमें रख देती हूँ काफ़ी अच्छे से ईजली मुझे मिल भी जाता है तो ओ oh गॉड अभी आपको मैं यहाँ पे हाल दिखाऊंगी ना क्या हो रहा है वीडियो बना के बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगी मैं आपको सो या गाईज़ दैट्स ऑल फॉर दिस हॉल और जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स आज आपके साथ शेयर किए हैं सारे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो क्वालिटी वाइज़ मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ऐसा नहीं है मीशो पे ख़राबी प्रोडक्ट्स मिलते हैं अच्छे भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं छूट गए मेरे पास मैंने और भी मंगाए थे जो ताश से रिलेटेड थे तो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं मैं आपके साथ दिखा नहीं पाई हूँ तो इसका एक पार्ट टू भी मैं बना दूँगी बाद में अभी के फ़िलहाल के लिए सी इन द नेक्स्ट हॉल वीडियो और ब्लॉग वीडियो जो भी पहले आएगा सो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रेन बाबा टेक केयर एंड स्टे सेफ लव यू ऑल नाउ गाइस सी बी टी एस ऑफ दिस वीडियो यू नो इस लड़की को मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ मैं इस लड़की को बवाल है भाई बवाल बेटा जी बेटा जी ये क्या किया आपने फेस पे ये क्या है बेटा अब मम्मा को वीडियो बनाने के बाद ये सब भी करना पड़ेगा पहले भी करना पड़ता था पहले कम करना पड़ता था जब से आप आई हैं ना तो अब ज़्यादा हो गया मम्मा को काम है ना बाय ताशु बाय मम्मा इज गोइंग आउटसाइड बाय बाय ताशु कोई मतलब नहीं है